हरतालिका तीज को गौरी हवा के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज मुख्य तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्या को इस व्रत के करने से मनचाहा पति मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में। मैं हूँ नीलकंठ। आज हरतालिका तीज है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरेक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ विवाहित महिलाएं व्रत रखते हुए पूजा पाठ करती हैं। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, यानी वो पानी का एक बूंद तक नहीं पीती। इसके बाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पहली बार हरतालिका तीज का व्रत किया था। तो आइए जानते हैं कि इस बार हरतालिका व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष हरतालिका तीज की तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी 5 सितंबर को दोपहर 12:22 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। इस तरह से उदय तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा, यानी आज। इस वर्ष हरतालिका तीज पर बहुत ही अच्छा शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग गणना के मुताबिक 6 सितंबर को हरतालिका पर रवि और शुक्ल योग के साथ चित्र नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। बता दें कि मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से होती है। इस पूजा को सुबह ही करनी चाहिए, लेकिन शिव पार्वती के पूजन के लिए प्रदोष काल का समय सबसे सही माना जाता है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। 6 सितंबर को यानी आज सुबह के लिए पूजन मुहूर्त था 6:02 से लेकर 8:33 तक, जबकि वही अब प्रदोष काल का यानी शाम का वक्त 6 सितंबर को शाम 6:36 से आरंभ हो जाएगा। सिटीजन पोस्ट की तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।